जिले के चापा थाना क्षेत्र में एक आदतन अपराधी की दर्जन भर से ज्यादा लोगों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। आरोपियों ने तलवार लाठी डंडे से हमला किया और फिर पत्थर से सिर कुचल दिया। घटना बीती रात की है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने 14 लोगों को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार चापा थाना क्षेत्र का भोजपुर निवासी आमिर खान उर्फ 30 साल की बीती रात हत्या कर दी गई। आमिर खान प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया करता था, साथ ही आदतन अपराधी ही बताया जा रहा है। आमिर खान हत्या के आरोप में जेल भी जा चुका है। आमिर खान धर्म से क्रिश्चियन होने के बावजूद अपने सरनेम के साथ में खान लगाया करता था। दर्जन भर से ज्यादा लोगों ने उसकी हत्या कर दी, सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर मारा। बताया जा रहा है कि बीती शाम को शराब दुकान के पास पैसों के लेन देन को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ, जिसके बाद रात में आमिर खान 2 से 3 कार में अपने साथियों के साथ विवाद करने के लिए भोजपुर के मोची मोहल्ला पर पहुंचा था। जिस जगह आमिर खान विवाद करने गया, वहां के लोग उसकी कारगुजारियों से वाकिफ थे और उसे कई लोगों के साथ मोहल्ले में आता देखा और सभी एकजुट हो गए। तलवार लाठी डंडे लेकर दौड़ पड़े। मोहल्ले के लोगों को एक साथ आता देखकर आमिर खान के सभी साथी कार में सवार होकर भाग निकले, मगर आमिर खान कार में बैठा रहा, जिसके बाद में मोहल्ले के लोगों ने आमिर खान को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीट दिया और उस पर तलवार लाठी डंडे से हमला कर दिया गया और जमीन पर गिरने के बाद उसका सर पत्थर से कुचल दिया गया। आमिर खान की हत्या के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मोहल्ले के लोगों से पूछताछ की और रात में ही आमिर खान का शव घटनास्थल से उठाकर BDM हॉस्पिटल चापा के बर्चुरी में रखवा दिया गया। हत्या में शामिल होने की आशंका पर पुलिस ने 14 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें नाबालिग भी शामिल है। जी, कल 13 जुलाई की रात को डायल 112 का एक इवेंट आया था कि भोजपुर में दो पक्षों के बीच मारपीट हो रही है। इस इवेंट को थाना चापा के स्टाफ को सूचित कर डायल 112 की टीम रवाना हुई थी, साथ ही थाना स्टाफ चापा भी रवाना हुआ। जब टीम वहां पर मौके पर पहुंची तो मौके पर वहां पे कोई भी नहीं पाया गया। वहां पर एक शव पड़ा हुआ था जिसकी शिनाख्त आमिर अली खान ईसाई उर्फ डब्बू ईसाई के रूप में हुई थी और वहाँ पर आसपास के लोगों से पूछताछ किया जाकर कुछ संदेहियों को हिरासत में लिया गया और पूछताछ करने पर यह स्पष्ट हुआ कि जो मृतक डब्बू ईसाई है वह जमीन दलाली का काम करता था और साथ ही शराब पीकर आए दिन गुंडागर्दी करते रहता था और जो आरोपीगण हैं उनके साथ भी उसकी कई बार वाद विवाद और बहस लड़ाई झगड़ा हो चुका था। 13 जुलाई की भी शाम को उसका झगड़ा हुआ था। इस पर से फिर वह रात में उनके मोहल्ले में पहुंचा है। मोहल्ले में पहुंचने के बाद आपस में दोनों पक्षों में पुनः वाद विवाद और लड़ाई हुआ। इसी बीच लोगों ने आक्रोश में आकर उसकी हत्या कर दी और इस मामले में हत्या के मामले में हम लोगों ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया हुआ है और 7 आरोपियों की गिरफ्तारी की है और उन्हें आज न्यायिक रिमांड पर भेजा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट।